हाँ फ्रेंड, आसलो छोटा स्वागत है। देखिए, सारी लार्ज कैप आईटी यानी कि टीसीएस, इंफोसिस, एसीएलटेक, कैलेंट, इन्फोटेक, टेक महिंद्रा और विप्रो अपनी क्वार्टर फोर ऑफ FY21 के रिजल्ट जारी कर चुके हैं। हम इस वीडियो में उसको एनालाइज करेंगे कि कौन सा रिजल्ट, किसका रिजल्ट सबसे बेहतरीन था। देखिए, पहले मैं पैरामीटर्स को बताना चाहूँगा। हम यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करने वाले हैं। और देखिए, अगर एबिटा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ग्रोथ 0 to 5% है तो 1 मार्क दिया जाएगा, 5 to 10% है तो 2 मार्क दिया जाएगा, 10 to 15% है तो 3 मार्क दिया जाएगा, 15 to 20% है तो 4 मार्क दिया जाएगा, 20% से भी ज़्यादा है तो 5 मार्क उसे दिया जाएगा। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात करेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ 0 to 3% है तो 1 मार्क दिया जाएगा, 3 to 6% है तो 2 मार्क दिया जाएगा, 6 to 9% है तो 3 मार्क दिया जाएगा, 9 to 12% है तो 4 मार्क, और 9 to 12% हो तो 4 मार्क दिया जाएगा, और 12 to 15% है तो उसे 5 मार्क दिया जाएगा। पहली स्टॉक के बारे में बात करते हैं। पहला स्टॉक है टीसीएस इंडिया का, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और सबसे बड़ी आईटी कंपनी। रेवेन्यू इसका 9.41% से बढ़ा था, 4 मार्क इसलिए दिया जाता है। एबिट्टा की अगर बात करेंगे, एबिट्टा और भी अच्छा आया था, 16.60% बढ़ा था इसलिए 4 मार्क दिया जाता है। प्रॉफिट फॉर टैक्स की अगर बात करें, प्रॉफिट फॉर टैक्स 19.16% बढ़ा था इसलिए उसको 4 मार्क दिया जाता है, और टोटल मार्क होता है टीसीएस के लिए 12 मार्क। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस का अगर बात करें, रेवेन्यू टीसीएस से भी बेहतर आया था, 13.08% बढ़ा था इसलिए 5 मार्क दिया जाता है। एबिट्टा की अगर बात करें, एबिट्टा और भी बेहतर आया था, एबिट्टा 28% बढ़ा था, 5 मार्क लाता है। प्रॉफिट फॉर टैक्स 26% बढ़ा था इसलिए 5 मार्क लाता है, और इंफोसिस सारी पैरामीटर में फुल मार्क अचीव करता है और टोटल मार्क होता है 15 मार्क्स। नेक्स्ट स्टॉक है एससीएलटेक। एससीएलटेक का रिजल्ट हालांकि थोड़ा सा खराब ही आया था। रेवेन्यू अगर बात करेंगे, 5.67% बढ़ा था इसलिए 2 मार्क दिया था, और एबिट्टा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कोई भी बड़ा देखने को नहीं मिला था, हालांकि गिरावट देखने को मिला था। एबिट्टा 4.20% बढ़ा था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13% लगभग 13% से गिरा था, इसीलिए टोटल मार्क होता है एससीएलटेक का 2 मार्क्स। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। देखिए, विप्रो का रेवेन्यू 3.41% बढ़ा था, 2 मार्क लाता है, लेकिन एबिटा और प्रॉफिट फॉर टैक्स में बढ़त अच्छी थी, 29.14% बढ़ा था, 5 मार्क लाता है। प्रॉफिट टैक्स 26.43% बढ़ा था। देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ और एबिटा प्रॉफिट टैक्स ग्रोथ में बहुत बड़ी गैप है। इसका पीछे वजह यह है कि कंपनी का रेवेन्यू इतनी अच्छे से नहीं बढ़ रही है, लेकिन मार्जिन वो बहुत ही अच्छे से बढ़ा पा रही है। नेक्स्ट स्टॉक है एल एन टी इन्फोटेक का रेवेन्यू 8.16% बढ़ा था, 3 मार्क लाता है, हालांकि एबिट्टा में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली थी, 23.81% बढ़ा था, 5 मार्क लाता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 30% बढ़ा था, 5 मार्क लाता है, टोटल मार्क होता है एल एन टी इन्फोटेक के लिए 13 मार्क। नेक्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा की रेवेन्यू 2.52% बढ़ा था, 1 मार्क लाता है। एबिट्टा की बात करेंगे तो एबिट्टा लगभग 26% बढ़ा था, 5 मार्क लाता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 60% बढ़ा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली थी, इसी वजह से टेक महिंद्रा का टोटल मार्क होता है 11 मार्क। देखिए, टेक महिंद्रा का और विप्रो का रिजल्ट दोनों लगभग सेम ही थे, रेवेन्यू उतने अच्छे से नहीं बढ़ा था, हालांकि उनका मार्जिन में उतना अच्छा बढ़ा देखने को मिला था, इसी वजह से उनका एबिटा और प्रॉफिट बहुत ही अच्छा बढ़ा था। देखिए, अभी नेक्स्ट टोटल स्टॉक को देखते हैं, कौन स्टॉक कितना मार्क रखता है और कितना रैंक मिलता है। रैंक 1 पे आता है इंफोसिस टोटल 15 मार्क के साथ, रैंक 2 पे है एलएनटी इंफोटेक 13 मार्क के साथ, रैंक 3 पर है टीसीएस 12 मार्क के साथ, रैंक 4 की अगर बात करें तो विप्रो है 12 मार्क के साथ। देखिए, विप्रो और टीसीएस का मार्क दोनों सेम है, लेकिन टीसीएस का रेवेन्यू बेहतर था, इसी वजह से मैंने टीसीएस को 3rd रैंक पर रखा है। 5th रैंक पर है टेक महिंद्रा, और लास्ट पर है एससीएलटेक। देखिए, एससीएलटेक का रिजल्ट हर क्वार्टर बेहतर होता है, हालांकि इस क्वार्टर में थोड़ा सा प्रेशर तो था। रेवेन्यू की अगर बात करें, रेवेन्यू उतनी अच्छी तरह से नहीं बढ़ा था, और मार्जिन तो उनका एक्सपांड भी नहीं होता मार्जिन, हालांकि एक बोनस देने की वजह से उनका मार्जिन भी हैम्पर हो गया था, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें, इन्फोसिस का रिजल्ट सबसे बेहतरीन था, हर एक पैरामीटर में इन्फोसिस का रेवेन्यू बेहतर ही था। देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बैंकिंग सेक्टर की कंपेरिजन करने वाला है, FMCG सेक्टर की रिजल्ट कंपेरिजन करने वाला है, इंश्योरेंस सेक्टर की Q4 FY21 के रिजल्ट को एनालिसिस करने वाला है। वीडियो को आखिर तक देने के लिए धन्यवाद।